सर पेपर तो थोड़ा टफ लेवल टफ ही था। सर जैसी तैयारी की वैसा ही पेपर था, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, एनसीईआरटी की बेस पे था सारा, ठीक है। और ठीक है, हमारा तो मेरा तो मतलब मेरा तो क्लियर हो जाएगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। आपका नाम? है ना शर्मिला। सर पेपर तो थोड़ा टफ लेवल टफ ही था साइको में, और है ना मेरे संस्कृत और हिंदी था तो उसमें भी थोड़ा लेवल टफ था। क्या मानते हो कि कोई गड़बड़ी कुछ जैसे पहले हुई? हाँ रीट का नहीं, इस बार तो बहुत सिक्योर एंड सेफ था, बस वही था कि सुबह सुबह बारिश का और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। आपका नाम? नीतू। मैं ये कहना चाहूँगा जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर बनाया वो मीडियम साइज था, न ज़्यादा टफ था और न ज़्यादा सरल था, मीडियम था। और जो 10 क्वेश्चन मतलब राजस्थान जीके से राजस्थान जो जोड़े गए थे, इससे जो राजस्थान के रहने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ मतलब पेपर फाइट करने में, और जो बाहर से अभ्यर्थी आते उनको थोड़ी सी इसमें दिक्कत रही है, इससे राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा ऐसा करें। नाम बताइए। शुक्राम। आज जो पेपर था बहुत मीडियम स्तर का था, तकरीबन 12 लाख जो बंदे बैठे हैं उसमें से ये मान लीजिए 8 लाख इन होंगे, और जो बाहर के बंदे थे जो 20 क्वेश्चन राजस्थान के थे जिनको डीप नॉलेज था वही बंदे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बाकी ओवरऑल बहुत ईजी था। क्या दिक्कतें आई इसमें? दिक्कतें कुछ नहीं है, एक तकरीबन 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसने 2-3 महीने से कंटिन्यू तैयारी करी थी तो वो 120 प्लस है। आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद है। कहाँ से है? मैं नसीराबाद। Thank you.